नमस्कार, कैश्पर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर टेक्निकल वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। कंपनी के सूचना संचार तकनीकी विभाग ने लगातार ऑपरेशन टीम की समस्या तथा आवश्यकता को देखते हुए नवीनीकरण करती रहती है, ताकि उस समस्या का समाधान और उसे सरल बनाया जाए। अभी तक देखा गया था कि हमारे केंद्र प्रबंधक ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र बैठक के दौरान इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क ना मिलने के कारण मीटिंग करने में सुगम एप्लीकेशन से समस्या का सामना करना पड़ता था और केंद्र कलेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर केंद्र बैठक करते थे और साथ साथ लोन प्रपोजल एडिंग आदि एंट्री करने में समस्या आती थी और देर रात ऑफिस में बैठकर एंट्री किया करते हैं। इन सब समस्या को देखते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक के मार्गदर्शन ने तकनीकी विभाग ने ऑफलाइन सुगम ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अभी 6 मॉड्यूल दिया गया है जो कि डेली ट्रांजैक्शन मॉड्यूल है। इसमें आप एंट्री कर डेटा अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार सुबह नेटवर्क एरिया में डेटा डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन मोड में अपना दैनिक कार्य कर कभी भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सरल है। अब हम आगे के वीडियो में यह दिखाने जा रहे हैं कि ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। ऑफलाइन मोड के लिए पिन इंटर करेंगे, इसके बाद ऑफलाइन मोड में सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे, इसके बाद भाषा का चयन करेंगे। केंद्र प्रबंधक के लिए 6 मॉड्यूल अभी तक ऑफलाइन मोड में बनाया गया है, जिसमें पहला है सिंक डाटा, ओल्ड क्लाइंट प्रोसेस, न्यू क्लाइंट प्रोसेस, कलेक्शन इन्फो, डिसबर्समेंट इन्फो और कैशलेस। सबसे पहले हम सिंक डाटा पर क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन होंगे, अपलोड डाटा और डाउनलोड डाटा। तो सबसे पहले हमको डेली वर्क करने के लिए डेटा डाउनलोड करना होगा, जिसमें डाउनलोड कलेक्शन, डाउनलोड क्लाइंट्स और डाउनलोड परपजेज। पहले डाउनलोड कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, कलेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। डाउनलोड क्लाइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे डिवाइस क्लाइंट शेड्यूल दिख रहा है। अब एक एक करके हम डाउनलोड करेंगे। चलिए मंडे के क्लाइंट डिटेल पर हम क्लिक करते हैं और डेटा डाउनलोड करते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है। ये सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह आप पूरे डे का क्लाइंट डेटा डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप डेटा डाउनलोड कर लेंगे तो ये कलर विजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेटा विजिबल हो गया। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपको ये दिख रहा है, विजिबल हो गया है। इसी तरह बाकी दिन का डेटा भी हम डाउनलोड कर लेंगे। और अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद डाउनलोड परपसेस पे क्लिक करेंगे और डेटा डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम बैक जाएंगे और अब हम ओल्ड क्लाइंट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। और देखिए पहले की ही तरह KYC, वर्दनेस, असेसमेंट, लोन प्रपोजल, नैप्ट और कंसेंट है। चलिए KYC पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट आधार और हस्बैंड आधार स्कैनिंग का है। कोई चेंजेस नहीं हुआ, पहले की तरह दिया गया है। न्यू क्लाइंट में KYC, इनरोलमेंट, क्रेडिट नीड और लोन प्रपोजल, जो कि पहले की तरह है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बस ये अलग अलग पहले भी था और इस बार भी अलग अलग न्यू क्लाइंट और ओल्ड क्लाइंट को दिया गया है। अब हम कलेक्शन इन्फो पे क्लिक करेंगे। सेंटर वाइज लिस्ट दिखेगा, इसके बाद सेंटर वाइज किसी सेंटर पर क्लिक करेंगे, क्लाइंट वाइज लिस्ट दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि सेंटर मीटिंग के दौरान किसी भी सदस्य का एरियल आता है तो आपको ऑनलाइन मोड में ही जाके एरियल दिखाना होगा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया गया है। इसके बाद डिसबर्समेंट इन्फो है और फिर कैशलेस कलेक्शन है, जो कि
इसके पहले की वीडियो में बता दिया गया है, इसकी डिटेल जानकारी दे दिया गया है। अब हम डेटा अपलोड करेंगे। यहाँ पे न्यू क्लाइंट, ओल्ड क्लाइंट, न्यू क्लाइंट पे क्लिक करके न्यू क्लाइंट का डेटा हम अपलोड करेंगे। जैसे हम न्यू क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड असेसमेंट, अपलोड क्लाइंट लोन प्रपोजल, अपलोड क्रेडिट इन वर्धनेश, एक एक करके हम डेटा अपलोड करेंगे। इसी तरह आप ओल्ड क्लाइंट का भी डेटा एक एक करके अपलोड करेंगे। आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं दिए जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।